वेलकम टू रूपीज किचन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज रूपीज किचन में हम बनाएंगे एग स्टफ पराठा। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको मेरी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। इस लाजवाब और आसान रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 4 अंडे लिए हैं, क्योंकि मैं 4 पराठे बनाने वाली हूँ और हर एक पराठे में मैं 1 अंडा डालूंगी। और बारीक कटा हुआ हमें प्याज चाहिए, बारीक कटा हुआ धनिया और बारीक कटी हुई हरी मिर्च। और मसालों में हम डालेंगे काली मिर्च का पाउडर और नमक। आइए अब शुरू करते हैं एग पराठा बनाना। सबसे पहले हम रोटी बेलेंगे, तो नॉर्मल साइज से थोड़ी सी बड़ी रखनी है। तवा जो है गरम हो गया, अब इसमें हम रोटी डाल देंगे। हमें इसे हल्का हल्का दोनों साइड से सेकना है रोटी को। अब अंडे को फेंट के रख लेंगे जब तक रोटी सिक रही है, तो एक अंडे को फेंटना है। अब इसमें डालेंगे हल्का सा प्याज, हल्का सा धनिया, थोड़ी सी हरी मिर्च और चुटकी भर डालेंगे इसमें काली मिर्च पाउडर और चुटकी भर नमक। अब इसे अच्छे से फेंट लेना है। ये देखिए अंडा अच्छे से फेंट लिया है और ये रेडी है। अब रोटी को सेक लेते हैं। आप चाहें तो तवे में ही इसे फुला सकते हैं, पर मैं इसे तवे में नहीं फ्लेम में फुलाऊंगी। तो हल्का सा इसको पहले सेक लेंगे। अब हल्का सा सेकने के बाद इसको फ्लेम के ऊपर रखेंगे। बस इतना ही इसको पकाना है, ज्यादा नहीं पकाना है। अब इसे यहाँ रख देते हैं और इसको करना है कट। अब इसे इस तरीके से यहाँ से कट कर लेंगे ऊपर वाला लेयर, ज्यादा नहीं कट करना है। फिर हमें इसे सेकने में थोड़ा सा दिक्कत होगी। ये देखिए इस तरीके से पूरा रोटी जो है फूल जानी चाहिए, मतलब पॉकेट जैसा बन जाना है। अब इसमें डालेंगे फेटा हुआ अंडा। ऐसे करके पूरे अच्छे से फैला लेना है, फिर इसको सेक लेंगे। हल्का सा साइड में हम ऑयल डालेंगे। और हमें इसे धीमे आंच में ही सेकना है। अगर आप इसे हाई फ्लेम में सेकेंगे तो अंडा पकेगा नहीं, इसलिए आपको इसको लो फ्लेम में ही सेकना है। अब आराम से इसको हमें पलट लेंगे। बस अब दूसरी साइड से भी हमें ऑयल लगा देना है। अंदर जो ऑमलेट हमने डाला है वो बेक हो रहा है और देखिए रोटी जो है अपने आप फूलने लगी है। अब इसे दूसरी साइड पलट लेंगे। ये देखिए जहाँ पे मैंने कट किया था वो भी सील हो गया है, ऑमलेट जो है इसका मतलब अच्छे से बेक हो गया अंदर से। अब इसको साइड साइड में सेक लेंगे, थोड़ा कच्चा है तो ये जो है रेडी हो जाएगा। आप इसमें चीज डाल के भी बना सकते हैं। बस ये रेडी है, अब इसे हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। ये देखिए, और इसे अब हम ठंडा होने देते हैं, फिर आपको मैं काट के दिखाऊंगी कि अंदर से अंडा कितने अच्छे से बेक हुआ है। तब तक मैं और एग पराठा बना लेती हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने एक और पराठा बना लिया है और कितना अच्छा फूला फूला बना है। अब इसको निकाल लेते हैं एक प्लेट में और फिर मैं कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा एग पराठा रेडी है। अब मैं इसको खोल के दिखाती हूँ कि अंदर से ये कैसा दिख रहा है। ये देखिए वाव, कितने अच्छे से ऑमलेट जो है बेक हो गया अंदर।
आप देख सकते हैं, ये देखिए। आप चाहें तो इसमें दो अंडे भी डाल सकते हैं और चीज भी ऐड कर सकते हैं। ये था हमारा एग स्टफ्ड पराठा। ये देखिए कितने अच्छे से ये हमने बेक किया है। आप भी इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें और मुझे कमेंट में बताना ना भूलें कि आपका एग स्टफ्ड पराठा कैसा बना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इसी बात में मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें।